आप सभी को जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे। आज हम जान पाएंगे इस बात को लेकर कि आज हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर किन दो कारणों के कारण नहीं मिल पाते हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हो और उत्तर नहीं मिल रहा है, उसके दो कारण हो सकते हैं। वो दोनों कारण में से हम एक कारण तो हमें मालूम होगा और दूसरा कारण वो पिता जानता है ना। तो हम सीधा पॉइंट पर आएंगे। आज बहुत से लोग बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, कोई किसी के बदलने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई शादी के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई नौकरी बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देने के लिए प्रार्थना कर रहा है, जुड़ जाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई प्रभु में बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अभिषेक पाने के लिए, कोई सामर्थ पाने के लिए, कोई बपतिस्मे के लिए प्रार्थना कर रहा है, और कोई अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई खुदा के साथ साथ चलने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, बरकत पाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई दुष्ट आत्माओं से आजादी पाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। कई लंबे समय से प्रार्थना करे जा रहे हैं और बहुत बार मन में आता है कि पता नहीं हमारी प्रार्थना कोई सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। क्या प्रभु ने सुनना बंद कर दिया है? क्या छोड़ दिया है? क्या नहीं। दो बातें ध्यान रखनी है हमें, वो दो कारण। सबसे पहला कारण ये है, तो इन बातों को लेकर सबसे पहले हमें ये याद रखना है, हम अपनी प्रार्थनाओं को भूल सकते हैं करके, चाहे कितनी भी सालों पुरानी हो, कितने भी महीनों पुरानी हो, कितने भी दिनों पुरानी हो, लेकिन हमारा प्रभु कभी नहीं भूल सकता। मेरे भाई और बहनों, वो कभी नहीं भूलता हमारी प्रार्थनाओं को। उसको अपनी प्रतिज्ञाएँ हमारे पूर्वजों से पहले की भी याद हैं, जैसे कि नूहा से प्रभु ने कहा था कि मैं इस पृथ्वी को दोबारा से जल प्रलय से नाश नहीं करूँगा। नूहा ख़त्म हो चुका, नूहा का वंश जो आगे थे से को धीरे धीरे करके सब ढलते गए, एक के बाद एक आज हम हैं। सोच कर देखो, लोग भूल गए हैं, नूहा है ही नहीं धरती पर अब, सोच कर देखो, लेकिन फिर भी परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को आज भी पूरा करता है, इस पृथ्वी को दोबारा से जल प्रलय से पूरी तरीके से नाश नहीं करता। और जो हम मेह धनुष देखते हैं, 7 सतरंगी धनुष देखते हैं आकाश के अंदर, वो उस वाचा का प्रतीक है। प्रभु उस मेह धनुष को दिखाकर मतलब क्लियरेशन करता है, देख मैं तुम्हें नाश करने पड़ता, लेकिन मैंने तुम्हें फिर से नाश नहीं किया। मैं चाहता तो पूरी पृथ्वी को पानी से नाश कर सकता था, जल प्रलय से नाश कर सकता था, हर एक व्यक्ति को नाश कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने नूहा से वाचा बांधी थी और नूहा ने मुझसे प्रार्थना की थी। सोचो, परमेश्वर को हमारी प्रार्थना याद है, अब्राहम की प्रार्थना याद है। अब्राहम से कहा था कि तेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, तू आशीषों का मूल होगा, तेरा वंश तारों के समान होगा, बालों के किनकों के समान होगा। हम लोग भूल गए, अब्राहम ख़त्म हो गया है ना। अब्राहम की बात, जो इजहाक आए, इजहाक भी धरती पर, देखो हम सभी की उम्र जो आया है उसको जाना है ना, धीरे धीरे करके देखो, आज भी वो प्रतिज्ञाएं प्रभु आज भी पूरी करता है, और हम सभी लोग आज अब्राहम का वंश कहलाए जाते हैं, और प्रभु आज अब्राहम के द्वारा भी आज हमें आशीषित करता है। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने अब्राहम को दी थी, उस प्रतिज्ञा के द्वारा प्रभु आज हमें भी आशीषित करता है कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा और उनको पृथ्वी पर बढ़ाऊंगा और फैलाऊंगा, अपनी महिमा लूंगा। तो वो आज ले रहे हैं हमसे अपनी महिमा। इसका मतलब ये है कि आप लोग भूल सकते हैं, हम लोग भूल सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं को, लेकिन खुदा बाप प्रभु यीशु पिता कभी नहीं भूल सकता। ये हमारे समझने में गलती है। कभी इस बात को मत सोचना कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना कहीं भूल तो नहीं गया, कहीं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा या नहीं सुनेगा। देखो, दो कारण है। सबसे पहला कारण है हमारी खुद की गलतियाँ, हमारे खुद के व्यवहार, खुद के विचार, खुद की ऐसी गलतियाँ जिसमें हम दूसरों के प्रति करते हैं जो परमेश्वर के वचन के प्रति करते हैं। कैसे? प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने भाई से प्रेम रख, शत्रुओं से प्रेम कर, सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, और ये लिखा है जो तुम्हें श्राप दे दे तो उनको आशीष दे। लेकिन इन तीनों चारों बातों में हम परफेक्ट नहीं हैं, है ना। कई बार भाई से प्रेम नहीं दिखा पाते हैं, तो एक सबसे बड़ा कारण वो भी है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता। दो कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि जो हमारी तरफ से गलती है वो बताया जा रहा है। पहले आपको, हम सभी लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि लिखा है जिस मनुष्य को तू देखता है यदि तू उससे प्रेम नहीं रखता, तो जिस परमेश्वर को भी तूने देखा ही नहीं है तो उससे कैसे प्रेम रख सकेगा तू। हम खुदा को बुद्धू नहीं बना सकते हैं, है ना। हमें पहले अपनी गलती को जांचना है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है मेरे मन में, मेरे विचार में, जिसके प्रति मैंने कड़वाहट रख रखी हो। चाहे कहीं मेरी सास तो नहीं है, मेरा पति, मेरा भाई तो नहीं है, मेरा पड़ोसी तो नहीं है, मेरा बॉस तो नहीं है, मेरे दोस्त तो नहीं है, जिसके प्रति मैंने अपने मन में कड़वी जड़ रख रखी हो, कड़वाहट को रख रखा हो, ढाक को, जलन को रख रखा हो किसी के प्रति। अगर कोई ऐसा है तो वो उस बात को हमें अपने मन में से निकालना है और ऐसे लोगों से पश्चाताप करना है, ऐसे लोगों से मेल मिलाप करना है। चाहे सामने वाला आपको माफ़ नहीं,
कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाने के लिए जो रुकावट थी वो रुकावट खत्म हो जाएगी आपके पश्चाताप के द्वारा। आपकी प्रार्थनाओं को जो प्रभु तक पहुंचाने के लिए जो बीच में दीवार बनी हुई थी, वो कड़वाहट की, कुड़कुड़ाहट की, बुड़बुड़ाहट की, ईर्ष्या की, ढा की, जलन की, आज वो दीवार हट जाएगी जैसे ही आप पश्चाताप करोगे, माफी मांगोगे, चाहे सामने वाला आपको माफ ना करे। सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि लिखा है, यदि तू अपने भाई से प्रेम न रखे तो तू हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है, किसी हत्यारे में प्रभु नहीं है, पिता नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु नहीं है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा हमें हमेशा झुकने के लिए आगाह करेगा, पश्चाताप करने के लिए, दूसरे को माफ़ करने के लिए आगाह करेगा, ना कि किसी के प्रति अपने मन में कड़वाहट रखने के लिए कि वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, मेरा पति नहीं बदलता, मेरा पति तो यही काम करता है, ये तो बदलेगा ही नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, लोगों को लेकर, अगुओं को लेकर, विश्वासी तक को लेकर, कई बार शैतान ऐसी कड़वे बीज मन के अंदर बो देता है, कड़वाहटों को डाल देता है, जिसके कारण हम खुद अपनी बातों में, अपने विचारों के कारण फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर इन बड़ी बड़ी दीवारों के कारण प्रभु के पास नहीं पहुंच पाते। सबसे बड़ा कारण यह है, क्योंकि लिखा है यशायाह में प्रभु कहता है, देख तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता। अधर्म क्या है? जो हम मन में गलत पाप कर देते हैं ना, जो हम मन में गलत विचार करते हैं, गलत, जो गलत ईर्ष्या अपने मन में रखते हैं किसी के प्रति या वचन के प्रति, तो वो अधर्म होता है। लेकिन वो पाप जब बनता है, जब उसको हम शरीर के द्वारा करते हैं, मान लो कोई भाई है, अब उसको देखकर मैंने मुंह बना लिया, कड़वाहट रख ली, तो ये अधर्म बन गया। कड़वाहट रखने के साथ साथ उसको मैंने मुंह से कुछ बोल दिया या मैंने चाटा मार दिया, तो वो पाप बन गया। तो अधर्म और पाप, प्रभु का वचन कहता है, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, ये साफ लिखा है वचन में, और तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, जा मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनने का, साफ लिखा है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है, पहली गलती जो हमें करेक्ट करनी है। दूसरी की आप चिंता मत करो, ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा बाप हमारी प्रार्थना का उत्तर ना दे। हमारा नहीं देगा तो किसकी प्रार्थना का उत्तर देगा? प्रभु आपकी और मेरी नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? प्रभु मुझे नहीं छुड़ाएगा, आपको नहीं छुड़ाएगा तो किसको छुड़ाएगा? प्रभु हमसे प्यार नहीं करेगा तो किससे प्यार करेगा? प्रभु हमें नहीं बचाएगा तो किसको बचाएगा? हमारे लिए उत्तर नहीं देगा तो किसको देगा? प्रभु हमें आशीष नहीं देगा तो किसको देगा? हमारे आंसू नहीं पहुंचेगा तो किसको पहुंचेगा? प्रभु ने हमारे लिए ही तो अपनी जान दी है, हमें ही तो बचाने के लिए वो उतर कर आया। अगर वो हमें छोड़ना होता, अगर हमारी उत्तर ना देना होता हमारी प्रार्थनाओं का, तो वो अपनी जान नहीं देता। मेरे भाई और बहनों, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। प्रभु कहीं ना कहीं हमें बताना चाहता है, मेरे बच्चे पहले तो अपनी गलती को करेक्ट कर, ताकि शैतान को बिल्कुल भी अवसर ना मिले, मौका ना मिलने पाए, और मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर तुरंत दूं, क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। जब तेरे मन के तार बिल्कुल साफ हो जाएंगे ना, तो तेरे तार मेरे तार के साथ जुड़ जाएंगे, मेरे दिमाग के साथ जुड़ जाएंगे, और जो तू मन में सोचेगा भी ना, वो तुझे प्रार्थना करने से पहले मैं तेरे पास पहुंचा दूंगा। ऐसा मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ हुआ है, और हमारे अगुओं के साथ हुआ है। बस मन में कई बार सोचना पड़ता है, परमेश्वर किसी के मन में डाल देता है और हम आशीषित हो जाते हैं। हमें कई बार प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कई बार हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हाथ तो परमेश्वर, जब से प्रभु में आए, प्रभु ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया आज तक, नहीं तो पहले तो भिख मंगे ही थे, भाई तू दे दे, पापा तू दे दे, मम्मी तू दे दे, ये तू दे दे, वो तू दे दे। लेकिन आज अपने घर वालों को भी परमेश्वर ने हमें देने वाला बनाया, छितराने वाला बनाया, लोगों को, पड़ोसियों को, और ये परमेश्वर की दया है। हमारे कोई ऐसे गुण नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारे ऐसे काम नहीं है, हम गिरे। मैं ही नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं आज भी गिरा मेरे भाइयों बहनों, लेकिन पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर अपनी उस गलती को निकालना है ज़रूर, कि उस गलती के कारण जो आज मैंने कर दी, जिसके कारण मेरी प्रार्थना रुकी, जिसके कारण मेरी आशीष रुकी है, जिसके कारण मैंने कुछ खोया है, उस गलती को मैं दोबारा ना करूं, उस गलती को निकालना ज़रूरी है। अगर उस गलती को मैंने आज ही निकाल दिया कि वो गलती क्या है, यदि मैंने प्रभु से पूछा कि वो गलती क्या है, और जैसे ही प्रभु मुझे वचन से बताता है या अपने मन में मैं जांचता हूं, परखता हूं, टेस्ट करता हूं कि मैंने ऐसा क्या किया इस पूरे दिन में, या मैंने कल तक क्या किया था, या कोई ऐसी बात है, ऐसा विचार है जो मैं लेकर आया था, उस चीज को अपने अंदर से निकालना जरूरी है, पश्चाताप करके माफी मांगकर आगे बढ़ना जरूरी है, यीशु के लहू को अपने ऊपर मांगना जरूरी है, प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे। क्योंकि मेरे भाई और बहनों देखो, प्रभु हमें आशीष नहीं देगा तो किसको देगा? हमें चंगा नहीं करेगा तो किसको करेगा? हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा तो किसके क्षमा करेगा? हमारा उद्धार नहीं करेगा तो किसका करेगा? हमें नरक से नहीं बचाएगा तो किसको बचाएगा? हमें स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा तो किसको लेकर जाएगा? सोच कर देखो, उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन हमें लेने ही नहीं आ रहा है। और हमारा परमेश्वर अपने वचन से बना हुआ है, वो पापी से तो प्रेम रखता है लेकिन पाप से नफरत करता है। ध्यान रखना हमें इस बात का। सबसे पहला कारण यही है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर इस वजह से नहीं मिल पाता कि हमारा रिश्ता मनुष्य से, हमारा रिश्ता परमेश्वर से अच्छा नहीं है। मन में कहीं ना कहीं कड़वाहट या बुराई या ढा है या जलन है या ईर्ष्या है या फिर ना माफी की बातें हैं कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, या हमने इसको ब्लॉक कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया।
समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं प्रेम की कमी है, इसी कारण ऐसी बातें, ऐसे विचार, ऐसे शब्द हमारे लिए हमारे मन से, हमारे शब्दों से निकल आते हैं, उभर आते हैं। क्योंकि लिखा, जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। अब हमें ये पता है कि हम अपने मन में कैसा सोचते हैं। किसी को लूटने का, किसी की बुराई के विचार, किसी को लूटने के, किसी के गलत विचार, किसी के बारे में व्यभिचार, बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि कुछ बातों को अपने मुंह पर नहीं लाते हैं, लेकिन यहोवा तो मनों को जांचता है। कोई परफेक्ट नहीं, गलती हो गई, माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना है। प्रभु मेरे मन के विचार भी तुझे ग्रहणी हो गए, मेरे पापों को तू क्षमा कर जो मैंने गुप्त में जाने और अनजाने में किए। प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे। जब आप अपनी ज़िंदगी की लाइन को, अपनी आत्मिक ज़िंदगी की नसों को साफ करोगे ना, लाइन को साफ करोगे, तो प्रार्थना की जो पाइप है, प्रार्थना का जो पाइप है जो उसके अंदर कूड़ा अटका हुआ था, उस कूड़े का जब आप अंगीकार करोगे, प्रभु उस कूड़े को अंदर से निकाल दे और अपने लहू से मुझे साफ कर दे, माज दे, बिल्कुल क्लीन कर दे, तो ही वो आशीष का आवागमन परमेश्वर की ओर से आपकी प्रार्थना ऊपर जाएगी, आशीष लेकर प्रभु के पास से नीचे आएगी उस पाइप के द्वारा। ध्यान रखना, वो पाइप क्या है? हमारा आत्मिक जीवन है जो पिता के साथ कनेक्शन में आना चाहता है, जिसकी पिता के बिगड़ तो हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि बचाने वाले ने हाल उठा ली तो हम कुछ भी नहीं है, है ना। और उस पाइप के अंदर जो कचरा भरा हुआ है, वो कचरा क्या है? वो हमारे अंदर हमारे जीवन की वो खमीर है, कमियां हैं, बुराइयां हैं, ढा है, जलन है, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, किसी को माफ़ ना करना, किसी से प्रेम ना करना, किसी को देखकर मुंह बना लेना, हल्का सा मुंह बना लेना भी ये पाप कहलाता है। मेरे भाई और बहनों, अगर मैंने किसी को हाँ कर दिया ना, तो मतलब प्रेम नहीं है मेरे अंदर। मनुष्य को देखकर मैं हूँ हाँ कर रहा हूँ, अगर प्रभु ने देखकर कर लिया तो हमें तो हमारी तो नैया डूब जाएगी, क्या होगा हमारा, सोचो। क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया था तो लोगों ने सर हिला हिला कर निंदा करी थी। मतलब सर हिलाने से भी अगर हम किसी गलत बात में सर हिला दें, हाँ वो तो ऐसा ही है, वो तो चुगली करते होगी, ऐसा भी कर दिया, तो मतलब हम पाप में सहभागी हो गए। और ये कारण भी एक बहुत बड़ा कचरा बन सकता है हमारी प्रार्थनाओं को रोकने का, हमारी उत्तरों को रोकने का। आज हम मसीह लोग इन बातों को तो बहुत हल्का समझते हैं, और हम सब यूं ही समझते हैं, ऐ भी समझते हैं, अरे इनसे क्या होता है, इतना तो कर ही सकते हैं, ये कर ही सकते हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी हमें देखनी है ना, कर सकते हैं तो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, कर ही सकते हैं क्योंकि हमने ढीला डाला रवैया अपनाया, तो जब भी तो कर ही सकते हैं। ठीक है भाई, प्रभु भी कहता कर सकते हो, ठीक है तुम भी करते रहो, मैं भी तुम्हें उत्तर जब दूंगा, मैं भी तुम्हें छुटकारा जब दूंगा, जब तुम्हारे मन के पाइप साफ होंगे, जब उस पाइप के अंदर में जो मैंने आशीष तुम्हारे लिए भेजी है, जो कड़वाहट का कचरा है, जब वो हटेगा ना, तभी वो आशीष तुम्हारे पास पहुंचेगी, नहीं तो वो अटकी रहेगी। जैसे दानिय्येल की प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल चुका था, लेकिन वो 21 दिन बाद मिला था। ध्यान रखना, परमेश्वर की ओर से वो तुरंत मिल चुका था, लेकिन दानिय्येल ने जब पूरी तरीके से समर्पित किया, अपने लोगों के व्याप पर पश्चाताप किया, खुलकर अपने सामने अपने आप को पिता के सामने रख दिया, जब वो बेसुध हो गया, तब परमेश्वर ने देखा क्या, बिल्कुल इसकी लाइट है जो है ग्रीन कलर की लाइट, जो रेड कलर की लाइट थी, अब वो येल्लो हो रही है, अब येल्लो के बाद डायरेक्टली वो ग्रीन हो गई है। मिकाएल जा, प्रार्थना को उत्तर लेकर जा, मेरा दास अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ये पूरी तरीके से समर्पित हो चुका है, जा इसकी प्रार्थना का उत्तर दे। मेरे भाई और बहनों, फारस के प्रधान ने रोक ली थी, कौन? शैतान, दुष्ट आत्माओं ने आकाश में प्रार्थना के उत्तर रोक लिए थे, क्योंकि शैतान भी बोलता है, देख तू किसकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, अभी तो वो प्रार्थना करके हटा है, ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, उसके मन के विचार दे, कड़वाहट आ गई उसके मन में, ये प्रार्थना का उत्तर तू वहां पर नहीं पहुंचा सकता प्रभु, ध्यान रख, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है इस प्रार्थना का उत्तर मैं जब तक नहीं जान दूंगा, यहाँ से जब तक वो तेरा जो साथी है, तेरा जो विश्वासी है, जब तक वो अपने मन में से कड़वाहट ना निकाले अपने भाई के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने विश्वासी, अपने अगु, अपने कलीसिया के प्रति, या ढा जलन को, या फिर नामाफी की बातों को, या कड़वाहट को जब तक अपने मन में से ना निकाले ना, तब तक ये प्रार्थना, मिकाएल मैं तुझे लेकर जाने नहीं दूंगा नीचे पृथ्वी पर उस बच्चे के पास। भले ही उसने प्रार्थना की है, भले ही तूने उत्तर दे दिया, लेकिन अब देखो उसके मन में कड़वाहट है, और लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है, और शैतान मन के मैंने उसकी प्रार्थना का उत्तर रोक लिया है। जब उसके मन का पाइप साफ होगा ना, तब ये जा पाएगा, जो तू आशीष जो उत्तर लेकर जा रहा है मिकाएल जब्राइल, तभी तू लेकर जा पाएगा। मेरे भाई और बहनों, हमें समझना है, प्रभु किसी ना किसी तरीके से हमें बताता है, प्रार्थनाओं के उत्तर पाने में हमारी गलतियां होती थी, कई बार हम उत्तर नहीं पाते अपनी गलतियों के कारण। प्रभु ने कहा है जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय तूने मैंने तेरी सुन ली और तुझे पूरी रीति से निर्भय किया, लेकिन प्रभु मैंने तो तेरे को आज पुकारा लेकिन मेरी प्रार्थना का तो उत्तर अभी तक नहीं आया, 1.5 साल हो गया। बेटा याद तो कर, मैंने तो उत्तर तेरे को उसी दिन दे दिया क्योंकि मैंने अपने वचन को पूरा किया, उसी समय मैंने तेरी सुन ली, लेकिन कचरा तो तेरे पाइप में फंसा है, तेरे मन के जो विचार हैं, तेरे नशे हैं, तेरे दिलो दिमाग हैं, उनके अंदर जो कचरा फंसा है जिसके कारण तेरी आशीष नहीं मिले, तेरा आत्मिक जो पाइप है जो मेरे साथ कनेक्शन में है स्वर्ग से, उसके अंदर कचरा फंसा हुआ है,
उस कचरे को निकाल ले। प्रभु वो कचरा क्या है? अरे तूने अपने भाई से प्रेम नहीं किया, तूने शत्रुओं से प्रेम नहीं किया, तूने माफ नहीं किया, तू होठों से तो मेरा आदर करता है लेकिन तेरा मन मुझसे लगा नहीं है, मन में तो कड़वाहट भर रखी है, अपनी सास, अपने पति, अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपने लोगों के विरोध में, अपने अगुओं, अपने विश्वासी कलीसियाओं के विरोध में। तो वो कचरा फंसा हुआ है मेरे बच्चे, कचरे को निकाल, क्योंकि शैतान ने तेरी प्रार्थना का उत्तर रोक रखा है। तेरे कचरा फंसने के कारण शैतान ने तेरी प्रार्थना का उत्तर रोक लिया। मैंने जिब्राइल को भेजा था उत्तर देने के लिए, जिब्राइल जा, लेकिन अब मेरा स्वर्गदूत भी तो जब भी काम कर पाएगा ना तेरे लिए, जब तेरे दिमाग में से वो कचरा निकलेगा, तेरे पाइप में से वो कचरा निकलेगा, तेरी प्रार्थना मेरे पास जब भी पहुंचेगी जब वो कचरा निकलेगा। ठीक है प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं गलती को मान लेता हूँ, और मेल मिलाप का आत्मा मुझे दे, पश्चाताप करने का मन मुझे दे, और मुझे दूसरों को माफ़ करने का दिल दे, मेल मिलाप करने का दिल दे, क्षमा मांगने का, सॉरी बोलने का दिल दे। और जब मैं किसी के लिए, किसी से मैं जब मैं सॉरी बोलूँ तो प्रभु, परमेश्वर, सामने वाला मुझे माफ़ करे और वो भी आशीष पाए। आप प्रार्थना करो प्रभु से, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहला कारण यही है कि हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं, कमियां ढूंढते हैं, क्योंकि लिखा है जो दूसरे में कमियां खोजता है, ढूंढता है, जो दूसरे में बुराइयों को खोजता है उसी पर बुराइयाँ पड़ती है। कई बार हम खुद फंस जाते थे। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें दूसरे के अंदर अच्छाई खोजने की कोशिश करनी है, चाहे सामने वाला लाख बुरा है। आपको तो वचन मालूम है ना, उसको नहीं मालूम है। जितना आपको पता है क्या उसको उतना पता है? चलो आपको इतना पता है मेल मिलाप पर माफ़ करना है, लेकिन उसको तो नहीं पता है ना। उसको पता होता तो कब का वो आकर माफ़ी मांग लेता, पश्चाताप कर लेता, गले लगा लेता, सॉरी बोलता, सॉरी बुलवाता, समझो। उसको नहीं पता तभी तो वो ऐसी हरकत कर रहा है व्यक्ति, चाहे वो कोई भी है, चाहे खून का रिश्तेदार है, चाहे आपका बाहर का रिश्तेदार है, लेकिन वो मनुष्य है, उसके अंदर प्रभु है। और जिस मनुष्य को तुम देखते हो, यदि तुम उससे प्रेम नहीं कर पा रहे, तो जिस परमेश्वर को भी तुमने देखा ही नहीं, जिससे तुम दुआ करते हो, तो उससे कैसे प्रेम कर सकते हो, तुम उसको कैसे देख सकते हो? तो प्रभु आज सिखाना चाहता है हमें, सामने वाले को नहीं पता, लेकिन हमें अपनी तरफ से एक्स्ट्रा माइल जाकर काम करना है, अपनी तरफ से बेस्ट करना है, चाहे सामने वाला माफ़ करे या ना करे, उसको छोड़ो, अपने हिस्से का काम करो, अपनी तरफ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ो। माफ़ी मांगकर जब आगे बढ़ोगे ना, तो वो कचरा गायब हो जाएगा। देखना प्रार्थना का उत्तर जो सालों में नहीं आ रहा ना, वो सेकंडों में आएगा। प्रभु काम करेगा और आंखों में आपकी खुशी के आंसू होंगे। कोई परफेक्ट नहीं, गलतियां हो जाती हैं, आगे बढ़ना है। पहला कारण ये था। और दूसरा कारण ये है कि हम सही भी चल रहे हैं, हमने सबको दिल से क्षमा भी कर दिया और हम उस क्षमा करने के अनुसार काम भी कर रहे हैं। ये नहीं कि मुंह से क्षमा कर दिया लेकिन हमारे व्यवहार भी कड़वाहटों से भरे हुए हैं, नहीं। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर मैंने दिल से सबको क्षमा किया है तो वो काम के द्वारा भी प्रकट होना चाहिए। जैसे मेरी सास है, हाँ भाई मैंने सास को माफ़ कर दिया, लेकिन जब खाना बना रहे मिर्ची तेल इतना घुसेड़ दिया कि बस सास के कान में से धुआं निकल गया, कैसी बनाई है, ऐसी बनाई है, वैसी बनाई है, नहीं, इसे माफ़ करना नहीं कहते मेरे भाई मेरी बहन। माफ़ करना उसे कहते हैं अपनी तरफ से बेस्ट करके देना। प्रभु मैंने माफ़ कर दिया है, और मैं रोटी क्या, रोटी के साथ चिकन बना के दूंगी, चिकन क्या, चिकन के साथ मैं बाद में थोड़ी देर बाद कुछ मीठा खाने के लिए भी बना कर दूंगी मेरी सास को। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा माइल जाकर काम करना। वो आप किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे, वो आप प्रभु के लिए कर रहे हो। और प्रभु के लिए जब आप करोगे, क्या प्रभु किसी का कर्जदार है क्या? नहीं, समझना, क्योंकि लिखा जो तूने छोटे से छोटे के साथ किया वो तूने मेरे साथ किया। तो मेरे भाई और बहनों, हमें इस बात का ध्यान रखना है। और ये दूसरा कारण ये है कि जब भी हम सामने वाले के लिए हमेशा अच्छा कर रहे हैं, दिल से भी और मन से भी, तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी प्रार्थना के उत्तर कम काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल रहे, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी थाली तैयार हो रही है। लिखा है पहला पत्रस में कि तू विश्वास कर, दीनता से, मेरे धीरजवंत हाथ के नीचे दीनता से बना रहे, समय आने पर मैं तुझे उठाऊंगा, समय आने पर मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा। क्योंकि काटने का समय, बोने का समय, प्रार्थना का समय, उत्तर का समय, रोने का समय, आनंद का समय, शोकित, बहुत सारी चीज़ों का समय रखा है खुद अब आपने, शोक मनाने का समय, आनंदित होने का समय। तो प्रभु आज कहना चाहता है, मेरे बच्चे तेरे लिए उत्तम थाली तैयार हो रही है, जिसके अंदर मैं बहुत बढ़िया और बेस्ट क्वालिटी की वैरायटीज डाल रहा हूं मैं। तेरे आज्ञा पालन जो तू दिखा रहा है, तू धीरज धर रहा है, जो तू मेरी बाट जो रही है, मेरा इंतजार कर रहा है, उसके द्वारा मेरे बच्चे तेरे लिए उत्तम और बेस्ट थाली तैयार हो रही है, जो वर्ल्ड बेस्ट होगी। वो उत्तम थाली क्या है? वो आपकी प्रार्थना है। थाली के अंदर जो परोसा जा रहा है, जो परमेश्वर नई नई वैरायटीज डाल रहा है, वो क्या है? वो आपके लिए उत्तर के साथ साथ आशीषें हैं।
उस प्रकार की वो आशीष हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए, चाहे वो चंगाई की आशीष है, चाहे वो छुटकारे की आशीष है, चाहे वो धन की आशीष है, चाहे वो शादी की आशीष है, चाहे वो किसी प्रकार के बच्चे की आशीष है, कोई भी आशीष आपको चाहिए तो उस थाली के अंदर वो सब प्रकार की आशीषें रखी हुई हैं, जिसे कहा जाता है उत्तम थाली। समझना, ये वो उत्तम थाली है जिसको परमेश्वर सजा रहा है, तैयार कर रहा है। लेकिन आप दुखित मत होना, प्रभु आपकी प्रार्थना को कभी इग्नोर नहीं करेगा। प्रभु ने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर, मतलब प्रभु सुनता है। प्रभु क्या बहरा है? नहीं, बहरा नहीं है। मैं तेरी सुनकर भूल जाऊंगा? नहीं, प्रभु सुनकर भूलेगा नहीं, वो उत्तर देगा, उत्तर देगा, उत्तर देगा। भूलना मत, अब करके चलते जाओ, करते जाओ प्रार्थना, लगे रहो। प्रभु देखेगा कि कितने लंबे समय से मेरी बेटी प्रार्थना कर रही है, इस बात के लिए मैंने उसको उत्तर नहीं दिया, और आज तक इसने मेरी बुराई नहीं करी, और इसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, कुटकुटाना बुड़बुड़ाना खत्म कर दिया, रो रही है, बिलक रही है मेरे आगे, और नम्र और दीन कर रही है अपने आप को। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु ज़रूर उत्तर देगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे कि मेरी बेटी ने हार नहीं मानी। चल मिकाइल, जब्राइल जाओ, उत्तर लेकर जाओ उसके लिए, उस उत्तम थाली को सुनाओ, इसको गुड न्यूज़ लोगों के द्वारा। भेजो हमारे दूतों को, करो इसका काम, भेजो स्वर्गदूतों को, डालो लोगों के मन के अंदर क्या करना है, क्या देना है, क्या पहुंचाना है इस तक। मनों को बदल दो लोगों के, जो विरोध में थे उनको फेवर में कर दो, आशीषित कर दो उनको, इसको इसकी फैमिली को ब्लेस कर दो, इतना ऊंचा उठा दो। जाओ जाओ स्वर्गदूतों, जाओ जाओ, लग जाओ उनकी सेवा टहल करने के लिए, क्योंकि लिखा है कि उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से मदद और सेवा टहल करने वाली आत्माओं को भेजा गया है। हालेलुया। तो दुखित मत होना अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर रुका हुआ है, तो आपको पश्चाताप करना है, याद करना है, सोचना है कि ऐसा क्या है प्रभु, कोई मेरी तरफ से तो कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर गड़बड़ी लग भी रही है तो तुरंत माफी मांगकर सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाना। अगर आपको लग रहा है कि आपने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है, तो चुप लगाकर धीरज धरना, परमेश्वर उत्तम थाली तैयार कर रहा है। आपने एक चीज मांगी है, प्रभु 10 चीज देगा। लिखा है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी, यूं ही लिख जाएंगी, मिल जाएंगी, मती में लिखा है। मेरे भाई और बहनों, हर चीज़ का एक सही समय रखा है, तो बिल्कुल दुखित ना हो, घबरा मत, रो मत, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जाओ, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर देने पर हूँ, बस अपने आप को वचन से जांच और परख। मैं अपने काम करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।